नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मध्य प्रदेश के आम बजट में मिशन 2018 की झलक देखने को मिली है। बुधवार को विधानसभा में लगातार चौथी बार राज्य का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभी घोषणाओं के लिए भरपूर धनराशि स्वीकृत की। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान घोषणाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सत्ता पक्ष के सदस्य मेज थपथपाकर स्वागत करते रहे। विपक्ष इस दौरान मामूली टोका टोकी के अलावा कोई दखल नहीं दे सका। वित्त मंत्री जयंत मलैया विधानसभा में बजट पेश करने निकले तो उनका आरती उतार कर स्वागत किया गया। मलैया अपने निवास से सीधे विधानसभा के लिए रवाना हुए। उनके साथ बजट का पूरा भाषण पहले से मौजूद था। वित्त मंत्री का विधानसभा पहुंचने पर सदस्यों ने स्वागत किया। सदन में बजट भाषण की तैयारी के बाद मलैया अन्य मंत्रियों से मंत्रणा करने पहुँच गए। विधानसभा में आज की कार्यसूची में बजट ही एक विषय था। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए प्रदेश में विकास की संभावनाओं का ब्यौरा दिया। वित्त मंत्री के बजट भाषण में मिशन 2018 की तैयारियां साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। सामाजिक न्याय सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की गई और समाज में विधवाओं की कमजोर स्थिति देखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि सेवारत और पेंशन पाने वालों को छोड़कर सभी विधवाओं को पेंशन दिया जाएगा। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट में 7वें वेतनमान आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर कर्मचारियों को भी सौगात दी। राज्य सरकार का यह ध्येय है कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिले और इस हेतु सेवा प्रदायकों अर्थात शासकीय सेवकों में संतोष और आनंद जरूरी है। अतः 7वां वेतनमान का लाभ प्रदेश के शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2016 से दिया जाकर नगद भुगतान 2017 के वेतन से किया जाएगा। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने घाटे का बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कई बार शेर पढ़कर सदन की वाहवाही बटोरी। पंखी काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला हमसा चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। रोक रखी थी नदी की धार तुमने ही कहीं, लेके आए हम कुदाली उन महानों के लिए। बजट भाषण के बाद मीडिया से चर्चा में वित्त मंत्री और वित्त विभाग के अधिकारियों ने बजट की खूबियों पर चर्चा की। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने माना कि राज्य पर कर्ज है और विकास के लिए आगे भी जरूरत के हिसाब से कर्ज लिया जाएगा। मार्च 2016 में ये लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए का था और आगे भी कर्ज हमें विकास के कार्यों के लिए, अधोसंरचना विकास के लिए जो हमारी पात्रता है लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेंगे। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट भाषण में विभागवार राशियों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं को बजट में खासा स्थान देकर मलैया ने साबित कर दिया कि उनका बजट साल 2018 की चुनावी तैयारियों को लेकर है। भोपाल से न्यूज आज की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।